सुनो भाई, लास्ट क्लास में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक किया था, ठीक। तो आज हमारे पास ना क्वेश्चन सेकंड है इसका, 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे देखना है फिगर तुम्हारे पास है। देखो कह रहे कि आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगर इंग्लिश में पास लिखा हुआ भाई कि इन फिगर 8.13, भाई सबसे पहली बात जो इसका क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है उसमें हमें पहले फिगर बना रहे हैं 8.13। या सुनो, इस तरीके से बना हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे पास इसका नाम है पी क्यू आर। सबसे पहली बात भाई, तुमसे मैंने कहा था जब भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज मेरे पास कभी भी अगर आता है, ठीक है, इसके मेरे पास अगर दो साइड कोई सा भी गिवन होते हैं, इसका तीसरा साइड निकालना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले से भाई? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब सुनो, हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ भाई, ये वाली बात है तो है। और अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ भाई, ये वाली बातें पता लग रही है तुम्हें, आता ही वाला, ठीक है। सुनो भाई, देखो और सबको आता है, तुम्हारे लिए नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेना ऐसे, ठीक है। या सुनो भाई, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हाइपोटेनस कितना है पास, पी आर, पी आर हाइपोटेनस है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब इसको लंब बोलते हैं, वो कितना है, क्या नाम है इसका, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार में पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है। बोलो भाई, ये वाली बात समझ रहे हो। अब सुनो, मेरे पास पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर, मतलब तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर में पता नहीं है, ठीक है। देखो इतना ना, सिर्फ तुमने वैल्यू लिखी है अभी, तुमने क्या कहा भाई, सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है। वैल्यू लिख देने के बाद हमें आगे क्या समझना होता है, जब हमने इसकी वैल्यू लिख दी ना, हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली। सॉल्व करने का मतलब क्या है, 13 का स्क्वायर, सत्यमान 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। और रवि किशन वाह, 12 का स्क्वायर, वो पहले लग गया करने में, चलो बढ़िया, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब सुनो भाई, पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, अब तुम्हें अगली बातें बता रहा हूँ। हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास नंबर है, जितनी भी काउंटिंग वगैरह होती है, उसको एक तरफ करना होता है, ठीक है। नॉर्मली बोलूंगा, जितने कॉन्स्टेंट एक तरफ, जितने वेरिएबल एक तरफ। फिर मैं तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारा, देखो मेरे पास है प्लस में ना, तो उसको उधर करना पड़ेगा, तो 169 में से 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बताओ तुम ये वाली बातें समझ रहे हो, तो बताओ 169 में से अगर मैं 144 माइनस करता हूँ कितना आ रहा है, 25, ठीक है, 25 आ रहा है इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये थोड़ा इसको ना मैं ना पलट के लिख रहा हूँ इस तरीके से, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखो पता है, जो मैंने इसे पलट के लिखा ना, वैसे कोई लिखता नहीं मैं, बस तुम्हें ना जो सबके डाउट निकलते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। होता है ऐसा है कि ना, बच्चे सोचते हैं कि इधर का उधर गया प्लस का माइनस, इधर का उधर गया माइनस का प्लस, ऐसा होता है। हमें समझना क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सी बात ये समझ चलनी है कि जब हम ना पूरा पूरा पढ़ते हैं, इस साइड का सारा उस साइड, उस साइड का सारा इस साइड, समझ रहे हो, इस साइड का मेरे पास सारा सारा उस साइड चला जाए और उस साइड सारा उठ के इस साइड आ जाए, कभी भी अगर ऐसा होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, नॉर्मल रहता है मेरे पास। तो क्या करूंगा, देखो भाई, क्यू आर इज इक्वल टू इस साइड से स्क्वायर था, उस साइड के प्लस माइनस का अंडर रूट, समझ रहे हो भाई। देखो मैंने क्या बोला, क्यू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मेरे पास है तो 25 है। अब देखो तुम ना दो जन, दो टाइप के बच्चे हो, एक जिनको स्क्वायर याद कर लिए जिन्होंने, ठीक है, दूसरे जिन्होंने स्क्वायर याद नहीं करे। अब सुनो, तो मैं नॉर्मली बोलूंगा भाई, जिसने जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो ऐसा, 25 है इसका फैक्टर कर दो, 5 से 5
फाइव से वन, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू, देखो भाई जोड़े में से एक बार आता है तो फाइव सेंटीमीटर। तो मैं ये वाली बातें पता लग रही है, क्यू आर कितना मेरे पास फाइव सेंटीमीटर आ गया। भाई देखो क्वेश्चन होता क्या बोला था, नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने कि फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर, हमें टेन पी में से कॉट आर माइनस करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। ये क्वेश्चन में यहां पे लिख दे रहा हूं साइड में कि टेन पी में से कॉट आर को माइनस करना है। भाई जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है उसको हल्की सी दिक्कत आ सकती है, ठीक। वैसे मैं ट्राई करूंगा समझाओ तुम्हें यहाँ पे भी। देखो होता क्या है, मुझे पहले टेन पी निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें ना वही जो इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक। और हिंदी में लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, इस तरीके से सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये सबको फॉर्मूला बताइए वाला। पहला साइन का रेशियो कॉस 10, ठीक है। देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, इसे ना तीन चार बोला करो मन में कि भाई साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, इसे बार बार बोलते रहो। फिर हिंदी वालों की बात कर रहे तो एल ए एल लाल बटे कक्का और फिर कक्का बटे लाल। हाँ भाई इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को, पहले बोलो लाल बटे कक्का बटे लाल, इस तरीके से होता है। पहला तुम्हारा साइन का फॉर्मूला कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, इसे बार बार रिपीट मारो, तुम्हें लाइन से आता चाहिए, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, बार बार इसे रिपीट करते रहो। अब सुनो मुझे निकाला 10 का, ठीक है। तो मैं पहले देखता हूँ भाई 10 पी, उसे देखो अभी हमें पी से मतलब नहीं है, पहले नॉर्मल देख 10 का होता क्या है। 10 जो मेरे पास है साइन कॉस 10, ठीक है। तो 10 का पी अपॉन बी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और हिंदी वालों का साइन कॉस 10 लंब बटे में आधार। तो मैं पहले यारी बातें पता लगी, ठीक। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, अब सुनो मैं बोलूंगा भाई मुझे टेन पी निकालना है, तो ऊपर लिखूंगा परपेंडिकुलर, नीचे लिखूंगा बेस, मतलब कि ऊपर लंब नीचे आधार लिखूंगा। मैं लिखूंगा कैसे, अब तो मैं ये वाली बातें बता रहा हूँ, या सुनो मैं इस वाले ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ छोटा सा। अच्छा भाई मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया ना, एक बार इस ट्रायंगल को दोबारा बना लो छोटा सा। तो मेरे पास क्या ऊपर पी क्यू और आर, ये मेरे पास है 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे क्या देखना, 10 पी, पी देखना ना, अब थोड़ा यहाँ फोकस करो सब, यहाँ फोकस है ना, मैंने बोला पी, ठीक है पी बोल रखा है ना। अगर पी बोला है तो मैं पी से देखूंगा, यहाँ गया पी पे, पी क्या तुम्हारा सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। परपेंडिकुलर और लंब, तुम्हारा हाइपोटेनियस जो कण है, हाइपोटेनियस इसको हम हिंदी में कण बोलते हैं, वो हमेशा ही रहता है लेकिन ये तुम्हारे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो पी से देख रहा हूं, पी के सामने तुम्हारा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ये क्या होगा भाई, बेस, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा ना। समझ गए वाली बात है ना, समझे। हाँ भाई किसी को बोलना है इसमें कुछ, अब दोबारा बता रहा हूँ हमें, जहां देखो पी है ना, तो पी के जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा हमेशा। इन बातों को तुम याद करो या घोल के पी जाओ, जैसा करना वैसा करो। अब सुनो तो टेन पी, टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास क्या भाई, क्यू आर, क्या मेरे पास है क्यू आर, ठीक। और बेस कितना है, पी क्यू, बोलो भाई पास मारी क्यू आर और पी क्यू है। क्यू आर की वैल्यू क्या है भाई, 5, पी क्यू की 12, ठीक है। तो 10 पी कितना आ रहा है मेरे पास, 5 अपॉन 12, एक आ गया मेरे पास, बोलो इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैंने देखो हमें करना क्या है कि ना, जैसे 10 पी माइनस कॉट आर करना है, तो पहले 10 पी निकाल लेंगे फिर कॉट आर निकाल लेंगे, 10 पी में से कॉट आर माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझा कुछ, कुछ जादूगर तो है इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है। अगली बात करते हैं कॉट आर की, तो कॉट आर है तो भाई पहले कॉट का पता होना चाहिए। देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ठीक है हिंदी में वही साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। तो भाई क्या है मेरे पास कॉट का,
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं आधार बटे में लंब, इस तरीके से। ठीक, अब दोबारा आ जाओ, इतना लिखा। अब हमें कहां से देखना है, आर से। इसके लिए अलग से दोबारा बनाओ भाई, जिसका जो अपने दिमाग में कर सकता है ना कि हाँ मैं मन में खुद सोच लूंगा यहां से देखूंगा ये होगा, यहां से देखूंगा ये होगा, तो वो अलग बात है। ये तो मैं समझाने के लिए जो भी है। अब सुनो, ये मेरे पास 13, ये 12 और ये 5 है। कहां से देखना है इस बार भाई, आर से। आर से देखना है, आर के सामने तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलेंगे। अगर ये लंब है तो मेरे पास ये बेस होगा, मतलब तो कि परपेंडिकुलर मेरे पास ये भी बेस हो जाएगा, और लंब है तो ये आधार हो जाएगा, और तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहता है। ठीक है ना। अब देखो, तो क्या बोला मैंने, बेस कितना है अभी, बेस का नाम है QR, और जो मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर, PQ, QR कितना है, QR मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ 12 है। समझ रहे वाली बात है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो cot R इज इक्वल टू 5/12, देखो निकाल लिया, 10P cot R, क्या करना है, ये करना है ना, हाँ भाई, अब तो ये करना नॉर्मल, देखो हो गया मेरे पास, ये यहाँ पे करते हैं छोटा सा, 10P माइनस cot R, 10P माइनस cot R, 10P कितना है भाई, 10P मेरे पास है 5/12 माइनस cot R 5/12, देखो यहाँ पे ना तुम्हारा हल्का सा बेस काम करता है। सबसे पहले वो बच्चे देखेंगे कि यहाँ का नंबर सेम है, यहाँ का नंबर सेम है, काट दो कदम, ठीक है, तुम्हारा आंसर जीरो आ गया। दूसरा बच्चे जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्या करेंगे, वो देखेंगे नीचे का नंबर सेम है, एक बार लिखेंगे, ठीक है, नीचे का नंबर सेम, एक बार लिखा, ऊपर का 5 में से 5 चला गया, ठीक है, तो कितना बचा भाई, 0/12। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर जीरो आएगा, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जीरो आएगा, समझे कुछ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पड़ती है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बच्चों बताओ कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा, इनफिनाइट आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा ये वाली बात पता लगी, देखो अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0, नीचे 0 है तो आंसर इनफिनाइट, ठीक, मैं बोल दूं ऊपर भी 0 है नीचे भी 0, तो आंसर क्या आएगा, हाँ भाई ऊपर 0 नीचे 0 आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन है आज तक ये, ठीक है, ये अभी तक नॉट डिफाइन और इनफिनाइट अलग होता है, कौन बोला ये, तुम तुमने बोला नहीं, नॉट डिफाइन और इनफिनाइट अलग होता है भाई, नॉट डिफाइन का मतलब है आज तक उसको प्रूव नहीं किया गया, कुछ पता चला उसके बारे में, इनफिनाइट का मतलब है नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई, 0, जिसको कुछ नहीं समझ रहा समझ लेना, इधर का नंबर उसमें से इसको माइनस कर दो तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसमें किसी को कुछ बोलना है क्या, इसे नोट डाउन करो स्पीड में। सुनो भाई, अब हमारे पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक भाई, देखो तुम सब ना एक बार ध्यान रख के चलना, NCERT के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो NCERT है उसके सारे क्वेश्चन क्या अलग अलग होते हैं, तो तुम्हें NCERT करने के बाद ना कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा लो, RD सर मार्क्स के बाद जो भी तुम्हारा बुक है ना उसमें से ना इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन ट्राई किया करो, बहुत फायदे में रहोगे, वहां तुम्हें दिक्कत आएगी, वरना फिर तुम्हें क्वेश्चन रट्टे मारने पड़ेंगे, NCERT का कुछ नहीं होगा, ठीक। सुनो, तो भाई 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वही है, 8.1 है क्वेश्चन 3 है हमारे पास। सुनो, एक और आवाज आएगा फिर देख लेना। सुनो, जो क्वेश्चन 3 मेरे पास है उसमें कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, या सुनो उसने हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 बता रखा है, जो साइन ए है उसकी वैल्यू उसने बता रखी है 3/4 है, ठीक। फिर बोला कैलकुलेट कॉस ए टेन ए, उसने दो चीज पूछी है, पहला उसने पूछा है कॉस ए, ठीक है, अगला मेरे पास है टेन ए, ये दो चीजें निकालनी है हमें, ठीक, तो वही दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। लेकिन इसको सीखने से पहले
हमें किन बातों का ध्यान रखना चलना। मैं तो हमेशा क्या बोला है, हमें तीन चीज हमेशा पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है, मतलब कि लंब, कर्ण और आधार, ये तीन चीज हमें हमेशा पता होनी चाहिए। इस बार तो कोई ट्रायंगल नहीं है मेरे पास, इस बार कोई सा भी ट्रायंगल नहीं है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, हिंदी में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब सुनो, सबसे पहले हम समझेंगे, मेरे पास साइन ए है, ठीक, साइन ए है और 3/4 है, इसका मतलब पता क्या होता है। यार देखो, मुझे अगली बातें याद है कि पंडित बद्री प्रसाद और फिर वही हर हर बोले और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाल बटे कक्का और फिर कक्का बटे लाल। बोलो भाई, ये तो बात सुन आ रही है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास साइन का, जो साइन है उसकी वैल्यू मेरे पास है पहले से, जो साइन है उसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, लंब और कर्ण मेरे पास है। तो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या भाई, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये लंब है मेरे पास, और नीचे वाली वैल्यू क्या मेरे पे, हाइपोटेनियस, ये मेरे पास कर्ण है। भाई दो चीज तो है मेरे पे, समझ रहे हो, दो चीज मेरे पास है। दोबारा ट्रायंगल बना दो ये वाला, ये लो, तो मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, अभी के लिए परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं, ठीक है, और हमारा ए यहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास है 3, ठीक, और जो हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है, 4 है, समझ रहे वाली बातें, एक मेरे पास 4 है, दूसरा 3 है, हमें इसको निकालना है, ठीक है, निकालना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें हमेशा क्या बताया कि बच्चों, जब भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाता है, हम क्या करते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, उसमें दो साइड दे रखे हो, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। देखो भाई कैसा होता है पाइथागोरस, दोबारा भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसको हिंदी में बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे पास कर्ण कितना है भाई, हाइपोटेनियस 4, इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर और क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, लंब कितना भाई, 3 है, इसका स्क्वायर और प्लस आधार कितना है मेरे पास, नहीं पता ना, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो, मैं ना बेस को आधार लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, 4 का स्क्वायर कितना भाई, 16, ठीक है, तो 16 3 × 3 = 9, कुछ अटपटा सा आएगा, और ए का स्क्वायर, इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस, तो 16 - 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, 7, ठीक है, 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं यहाँ पे, किसी को कोई भी है जो कुछ इसमें गलती निकाल पा रहा है, सुनो उसके आगे, तो मैं दोबारा वही बोलूंगा, देखो इस साइड वाले को मैंने पूरा पलट दिया 7, तो इस साइड अगर मेरे पास स्क्वायर है, उस साइड अगर मेरे पास क्या है, √7 आ रहा है। यह तो बातें तो लग रही है, जब भी साइड से स्क्वायर हटता है उस साइड जाके प्लस और माइनस का अंडर रूट आता है, तो नॉर्मली बोलूंगा ए की वैल्यू कितनी है भाई, √7। बताओ इन बातों में किस किस को दिक्कत है, इसमें किसी को पूछना है कुछ अभी, आ जाओ देखो मेरे पास क्या है, आधार आ गया, ये √7 है इस तरीके से। अब क्या निकालना है, कॉस ए, ठीक है, और टेन ए, तो जिसमें वैल्यू है हमें इस बार कुछ चेक नहीं करना, जब हमें ना ट्रायंगल बना के ना दे रखा उसने, या फिर ट्रायंगल का उसने नाम ना दिया हो। देखो जैसे तुम्हारे पास ना 8.1 के क्वेश्चन फर्स्ट में ट्रायंगल का नाम था, ठीक है, सेकंड में ट्रायंगल बना रखा है, थर्ड में ट्रायंगल है नहीं, तो हम नॉर्मली चलेंगे, जो फॉर्मा है ना ये वाला, इसी को लेकर चलेंगे, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो यहाँ पे कॉस ए क्या होता है, साइन कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है भाई, √7, और कर्ण कितना है 4, मतलब कि जो मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए इज इक्वल टू √7/4 है, ठीक। नेक्स्ट टेन ए, तो साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, समझ रहे भाई वाली बात है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, लंब बटे में आधार। तो यहां पे करने के लिए लंब कितना है,
तीन, आधार कितना है अंडर रूट सेवन। भाई सुनो, तुम्हारी बुक में आंसर मैच नहीं होगा ये वाला, सुनो पता कि अगर ना बहुत केस में होगा, नॉर्मली इस आंसर को माना नहीं जाता है, तो मैं आंसर पूरा कैसे लिखना है ये बात ध्यान रखे। चलो तुम्हारे पास क्या है ऐसा, थ्री अपॉन में अंडर रूट सेवन, ये तो है, तुमने नाइन्थ क्लास के अंदर सीखा हो रैशनलाइजेशन, याद है किसी को, परिमेयकरण बोलते इसे। भाई क्या होता है उसके अंदर, ये चीज समझो, जब भी परिमेयकरण की बात कर दें, जब भी तुम्हारा डिनोमिनेटर रूट के अंदर होता है, जो तुम्हारे नीचे का नंबर है, कभी भी अगर रूट के अंदर है तो तुम्हें इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, समझे, इसी नीचे के नंबर को तुम्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहां सुनो, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन, ठीक है, अब क्या करूंगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो थ्री अंडर रूट सेवन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मेरे पास सेम रूट के नंबर, जैसे मान लो तुमसे बोलो अंडर रूट टू इंटू में अंडर रूट टू, तो तुम्हारा आंसर टू आता है। जब सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मेरे पास क्या एक नंबर यहाँ पे बाहर आता है, तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा कुछ है, कौन सा भाई आंसर, कौन सा दोनों में, चेक करना एक बार, दोनों में से कौन सा आंसर है, ऊपर वाला है, ये वाला है। भाई सुनो, तुम्हारा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ये तुम्हारा पूरा आंसर है और तुम्हारी बुक के हिसाब से आंसर है, ठीक है, तो तुम्हें दोनों लिखना है, वैसे ये तुम्हारा आंसर है, बताओ भाई इसमें किस किस को दिक्कत है, एक को बता दो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, उसे करना है, 8.1 का क्वेश्चन थर्ड है, देखो बताऊँ क्या है, फोर्थ है, जो क्वेश्चन फोर्थ है उसके अंदर बोल रखा है उसने कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। सबसे पहली बात कि लाइन गलत लिखी हुई है, तुमसे क्या बोला मैंने कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं सारे नंबर हमारे एक तरफ जाते हैं, तो ना जब भी ABCD के अक्षर और जो गिनती वाले होते हैं आपस में चिपक के लिखे हो, ABCD के अक्षर और गिनती वाले जब भी आपस में से चिपक के लिखे हो, उसका मल्टीप्लाई में हो, समझे कुछ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में सर जाके डिवाइड, cot A इज इक्वल टू 8/15, देखो भाई cot A कितना आ रहा है 8/15, हमें क्या निकालना है इसमें, साइन A और sec A, साइन A निकालना है हमें, ठीक, और अगला मेरे पास क्या भाई, sec A निकालना है, बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को, साइन A और sec A में, इसे फुर्ती में करो अभी सॉल्व, ठीक, फिर देखते हैं इसके बाद।